भाई साहब इसकी रोशनी देखो यार कितनी ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पे देखो इतना ढेर सारा पानी है और ऊपर से इसके अंदर बहुत सारा कीचड़ भी है। ये कार भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर से तैरती हुई निकल रही है क्योंकि इसके डिफरेंशियल लॉक्स मैंने भी कर दिए हैं। ओह माय गॉड, इसने तो ट्रैक्सस डिफेंडर को ऊपर उठा लिया है। मेरे को लग रहा है गाइस अब ये इसको नीचे पटक के ही मानेगी। ओह भाई साहब, हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे कार की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर है आप सोच भी नहीं सकते हो गाइस। ये कार को खरीदने का सपना हर कोई देखता है यार। इसका नाम है ट्रैक्सस TRX 4 डिफेंडर। गाइस ये आ जाती है ट्रैक्सस की तरफ से। आपको पता होगा मेरे पास इसी तरह की दिखाई देने वाली एक और कार है पर वो इसकी कॉपी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देख लो गाइस, ये आ जाती है रेसिंग रैली की तरफ से। दिखने में बिल्कुल ट्रैक्सस TRX 4 डिफेंडर जैसी दिखाई देती है पर एक्चुअल में ये इसकी क्लोन है। इसको मैंने सिर्फ 5000 रुपीस में खरीदा था पर इसको गाइस मैंने 69,500 रुपीस में खरीदा है और इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस भी कराए हैं मैंने जिसका प्राइस है 20,000 रुपीस। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कार इतनी ज्यादा महंगी क्यों है और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये है ट्रैक्सस TRX 4 डिफेंडर का बॉक्स, काफी ज्यादा बड़े साइज का है। ये कार की सबसे खास चीज मैं आपको बोलूं तो इसके अंदर दिया गया है पावर ऑफ पोर्टल्स, इस तरह के एक्सेल इसके अंदर दिए जाते हैं ताकि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस काफी ज्यादा बढ़ सके। क्या और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हाई लो रेंज ट्रांसमिशन भी दिया गया है, मेटल गियर डिजिटल सर्वो है, कैनियन ट्रेल 1.9 टायर्स भी ये कार के अंदर दी गई है। चलो गाइस फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं ये कार कितनी ज्यादा कमाल की दिखाई देगी। बॉक्स को यहां से मैंने ओपन कर लिया है, यहां से इसको निकाल लेते हैं पहले बाहर। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। बाहर बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी यार इसलिए मैं इसको इंडोर में अनबॉक्स कर रहा हूँ। सब मेरे को लग रहा है कार अंदर फंस चुकी है। इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है, भाई मजा आ गया कार को देख के। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ फटाफट से, फिर चलेंगे बाहर इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये इसका स्पेशल वाला रिमोट है गाइस, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टीयरिंग है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्विच देखने को मिल जाता है। इसको ऊपर करेंगे तो देखो अभी इसका ये जो ट्रिगर है थोड़ा सा पास में आ चुका है, यहाँ पर इसका एक एक्स्ट्रा स्विच दिया गया है। इसको भी कैसे यूज करना है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी हाइट देखो यार कितनी ज्यादा है। एक और चीज इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी ज्यादा है। भाई साहब बड़ी बड़ी कार्स इसके नीचे से घुस जाएंगी, इतनी ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस इसके अंदर दी गई है। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं वो पहले आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैंने ये मड फ्लैप्स लगाए हैं, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, मैंने अलग से खरीदे हैं। ऊपर की तरफ इस तरह की मैश लगाई है मैंने, सेपरेटली खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे फ्यूल टैंक मैंने लगा रखा है और ये पीछे की तरफ देखो यार ये टायर के ऊपर जो कवर है ये भी से खरीद के उसके ऊपर लगाया है। बाकी यहाँ पे एक स्नाइपर गन है और ये फ्यूल टैंक इसके साथ में ही मेरे को मिला था और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी मैंने अलग से इसके ऊपर बिठाया है। बाकी इसके अंदर मैंने बहुत सारे लाइट्स वगैरह भी लगाए हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। पीछे की तरफ यहाँ पे एक हुक भी मैंने लगाया है ताकि इसके पीछे एक ट्रेलर भी अटैच कर सकूं। तो अभी इसको मैं सामने की तरफ से एक बार आपको दिखा देता हूँ। सामने यहाँ पे देखो यार इस तरह की लाइट्स मैंने लगा रखी है, ये लाइट्स आप चाहे तो कोई भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे लाइट है और इस तरफ भी लाइट्स दी गई है और हेडलाइट के ऊपर इस तरह की मैश लगाई है गाइस, ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती है ताकि इसकी हेडलाइट प्रोटेक्टेड रह सके। यहां से इसको ऑन कर लेते हैं, अलग स्विच मैंने दे रखा है। ये देख लो यार भाई साहब इसकी रोशनी देखो यार कितनी ज्यादा नजर आ रही है। ये लाइट्स मैंने इसके अंदर अलग से लगाए हैं, बाकी देखो यार इसकी रोशनी देखकर मैं खुद हैरान हूं। ये कार कंप्लीटली नाइट में भी चल सकती है। पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे भी मैंने बहुत सारी लाइट्स लगा रखी है। ये देख लो यार भाई मजा आ गया यार इसको देखकर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे के सारे पैसे वसूल हो गए यार इसकी लाइट्स देखने के बाद। सामने की तरफ बहुत बड़ा बम्पर है, ये इसके साथ में ही मिलता है। बाकी इसके व्हील्स के बारे में बताऊं तो देखो इस तरह के व्हील्स इसके अंदर दिए गए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट व्हील्स है। डिफेंडर की कॉपी को मैंने साइड में रख दिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस आप खुद देख सकते हो गाइस। ये ट्रैक्सस की डिफेंडर कितने ज्यादा बड़े साइज की है और यहाँ पे डिफेंडर की बैचिंग भी दी जाती है क्योंकि ये ऑफिशियल लाइसेंसड है। ये इसकी कॉपी होने के कारण इसके ऊपर नाम वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। इसकी हाइट काफी ज्यादा है, इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा दी गई है क्योंकि गाइस प्राइस का इतना ज्यादा जो डिफरेंस है। साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे अनबाउंडेड पायनियर बोल के दिया गया। बाकी ये कार भी फोर व्हील ड्राइव है, यहाँ पे देखो 4x4 दिया गया। इन दोनों के व्हील्स के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ, भाई यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है दोनों के व्हील्स के अंदर। के व्हील्स का डिजाइन सेम टू सेम ही लग रहा है। इसके अंदर भी सामने की तरफ बम्पर दिया गया है। ये इसका कवर मैंने हटा दिया है, यहाँ पे इसका
इसका व्हील है, व्हील के ऊपर एक शॉवल भी मैंने लगा रखा है। और भाई ये कम्प्लीटली मेटल का शॉवल है, इसके अंदर कैरियर दिया गया है, इसके ऊपर भी कैरियर दिया गया है, पर इसका कैरियर काफी ज्यादा मजबूत है। तो आज डिफेंडर से फाइट करने के लिए ये कार भी मैं यूज करने वाला हूँ। ये WL टॉयज की एक जीप है, इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अपनी जो ट्रैक्सस डिफेंडर है इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा बड़े साइज की। ये आपको पता होगा गाइस, ये एक मॉन्स्टर ट्रक है, इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। इसको भी मैंने डिफेंडर के साइड में रख दिया। ये डिफेंडर की टक्कर वाली कार मेरे को लग रही है गाइस, क्योंकि देखो ये दोनों की हाइट बिल्कुल सेम टू सेम है और डिफेंडर के मुकाबले में इसके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े साइज के भी है। तो ये रही मून बग्गी RC कार, इन दोनों के व्हील्स में भी देखो ज्यादा डिफरेंस है ना। ये मून बग्गी कार हर जगह पर चढ़ाई कर सकती है क्योंकि ये एक क्रॉलर है। आज इन दोनों के बीच में क्रॉलिंग भी मैं करा के बताने वाला हूं। आने वाले दिनों में मैं डिफेंडर के अंदर और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने वाला हूं। फिलहाल तो मैंने सिर्फ 20,000 रुपीस के मॉडिफिकेशंस कराए हैं। अगर हम लोग गाइस इसको मॉडिफिकेशन करने बैठेंगे ना तो उसके 1,00,000 रुपए के भी मॉडिफिकेशंस आते हैं मार्केट में। तो चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं डिफेंडर को ये सभी कार्स टक्कर दे पाते हैं या नहीं। चलो लेट्स गो। Okay, तो मैं आ चुका हूँ बाहर अब ये डिफेंडर को टेस्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा बरसात हो रही है यहाँ पे देखो, और हर जगह पर सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। इस तरह की कार्स को चलाने में बहुत ज्यादा आज मजा आने वाला है गाइस। पहले ये डिफेंडर को मैं रोड के ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ, उसके बाद मैं ऑफ रोड में भी टेस्ट करूंगा। दिन के टाइम में भी इसकी लाइट्स इतनी ज्यादा ब्राइट लग रही है भाई, मजा आ गया। चलो अभी इसको चलाते हैं। ओ माय गॉड, इसकी पावर देखो यार कितनी ज्यादा है। जैसे ही मैं फुल ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ ये व्हीली मारने की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे तो मेरे पास ट्रैक्सर्स के बहुत सारे क्रॉलर्स है, पर ये क्रॉलर उन सबकी बाप मेरे को लग रही है गाइस, क्योंकि इसके अंदर पावर मेरे को महसूस हो रहा है। ये कार सच में गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल है, रोड के ऊपर इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा ऑसम है। पीछे से इसका लुक देखो भाई, एकदम मजा आ जाएगा। चलो अभी इसके डिफरेंशियल लॉक्स में कर देता हूँ। अभी इसको ऑफ रोड में मैं चला के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो इतना ढेर सारा पानी है और ऊपर से इसके अंदर बहुत सारा कीचड़ भी है। ये कार भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर से तैरती हुई निकल रही है, क्योंकि इसके डिफरेंशियल लॉक्स मैंने भी कर दिए। जितना चाहे उतना कीचड़ में चलाओगे, ये कार कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है भाई। मजा आ गया इसको कीचड़ में चला के। अब यहाँ पे पत्थर है, इसके ऊपर मैं चढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो गाइस पानी गिरने के कारण सब फिसलन भरा हो गया था ये। आप देखो जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशियल लॉक किया, ये बहुत आराम से ऊपर क्लाइंब कर चुकी है। ये जितनी आराम से ऊपर चढ़ती है उतनी आराम से नीचे भी उतरती है। अगर इसके प्लेस में कोई दूसरी कार होती तो वो पलट जाती। इसका ब्रेक टेस्ट भी करके देखते हैं। रोड के ऊपर ब्रेक्स एकदम तगड़े वाले दिए गए। अब रेस कराते हैं ये दोनों डिफेंडर्स के बीच में, देखते हैं गाइस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये 5,000 वाली डिफेंडर आगे निकल गई थी, पर जैसे ही मैंने ट्रैक्सस डिफेंडर के अंदर सेकंड गियर डाला है, देखो गाइस इसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है भाई। अभी दोनों को मैं चलाते चलाते ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेस कराते हैं गाइस। यहाँ पे ये 5,000 वाली डिफेंडर वर्थ मेरे को लग रही है। देखो गाइस इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, इसके पीछे पीछे जा रही है इसको टेक ओवर करने के लिए। ऑलमोस्ट इसके आसपास तक आ चुकी। अब मैं इसके अंदर गियर चेंज करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने इसका गियर चेंज किया है, ट्रैक्सस डिफेंडर ने भाई इसको बहुत आराम से बीट कर दिया है, रोड पे भी और ऑफ रोड में भी। अब ट्रैक्सस डिफेंडर की रेस कराते हैं मॉन्स्टर ट्रक के साथ। मॉन्स्टर ट्रक आगे निकल गया था, पर जैसे ही मैंने ट्रैक्सस डिफेंडर के अंदर गियर चेंज किया है, इसने भाई इसको बहुत आराम से पीछे छोड़ दिया है। अब दोनों को चलाते चलाते मैं ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ। देखते हैं ऑफ रोड में कौन जीता। ये मॉन्स्टर ट्रक ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाया गया, क्योंकि इसके व्हील्स देखो ट्रैक्सस डिफेंडर से भी ज्यादा बड़े साइज के दिए गए। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे भी ट्रैक्सस डिफेंडर के अंदर गियर चेंज किया है, ट्रैक्सस डिफेंडर ने यहाँ पे भी पीछे छोड़ दिया है। मॉन्स्टर ट्रक और ट्रैक्सस डिफेंडर का मैं फैन हो चुका हूँ तरीके से। आप ही बताओ यार मेरे को कौन सी कार इतना फास्ट चलती है इतना ज्यादा कीचड़ में और पानी में। ओके अब ट्रैक्सस डिफेंडर की रेस कराते हैं WL टॉयज जीप के साथ। ये WL टॉयज बहुत फास्ट चल सकती है, पर यहाँ पे भी ट्रैक्सस डिफेंडर ने इसको बीट कर दिया है। अभी दोनों को चलाते चलाते मैं क्लाइंब भी कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखो एकदम खतरनाक वाली पहाड़ी है भाई। यहाँ पे ट्रैक्सस डिफेंडर बहुत आराम से ऊपर की तरफ क्लाइंब करके जा चुका है। पूरी तरीके से WL टॉयज जीप फेल हो चुकी है, ये पूरी कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ाई करने के लिए, पर इसके व्हील्स यहाँ पे फिसलने लगे हैं क्योंकि अभी बरसात हुई है, तो मिट्टी जो है बहुत ज्यादा गीली हो चुकी है। क्लियरली यहाँ पे ट्रैक्सस डिफेंडर जीत चुकी। अब आमने सामने वाली फाइट होगी दोनों डिफेंडर के बीच में। ये सस्ती वाली डिफेंडर तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव मेरे को लग रही है गाइस। देखो इसने पूरी तरीके से इसको रोक रखा है। ओ माय गॉड, इसने तो ट्रैक्सस डिफेंडर को ऊपर उठा लिया है, मेरे को लग रहा है गाइस अब ये इसको नीचे पटक के ही मानेगी। ओ भाई साहब, देखो गाइस ये सस्ती वाली डिफेंडर ने पटक
ढक के रख दिया है ट्रैक्सस डिफेंडर को। अब कराते हैं तो गो फॉर, देखते हैं अब कौन जीतता है। अब आ चुका है ट्रैक्सस डिफेंडर को एकदम खतरनाक वाला गुस्सा। मेरे को नहीं लगता गाइस अब ये इसको छोड़ने वाली है। देखो इतने गहरे पानी में से भी इसने इसको घसीट लिया है बाहर। अब इसको बहुत बुरी तरीके से खींच के लेके जा रही है। ये सस्ती वाली डिफेंडर पूरी कोशिश कर रही है 4x4 एक्टिवेट करके इसको रोकने के लिए, पर ट्रैक्सस डिफेंडर ने इसको पूरी तरीके से उलट पलट करके भाई इसकी वाट लगा रखी। ओके ट्रैक्सस डिफेंडर की अब फाइट कराते हैं मॉन्स्टर ट्रक के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे तो यार ट्रैक्सस डिफेंडर को थोड़ा भी टाइम नहीं लगा मॉन्स्टर ट्रक को हराने के लिए। भाई साहब पीछे बहुत बड़ा पत्थर था, ओ माय गॉड पत्थर ही तोड़ के रख दिया है इसने पूरी तरीके से। अब ट्रैक्सस डिफेंडर से फाइट करने के लिए मून बग्गी आ चुकी है, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। मून बग्गी पूरी पावर लगाकर ट्रैक्सस डिफेंडर को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर ट्रैक्सस डिफेंडर ने इसको उठा के फेंक दिया है कीचड़ के अंदर, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से पटक दिया है। और मेरे को लगा था कि ये मून बग्गी थोड़ा तो भी इसको रोक के रखेगी, पर मून बग्गी की तो हालत टाइट हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एकदम खतरनाक वाला तगो फोर कराते हैं। ये दोनों कार्स को मैंने एक साइड बांध दिया और ट्रैक्सस डिफेंडर को एक तरफ बांध दिया। ये दोनों कार्स पूरी कोशिश कर रही थी, पर ट्रैक्सस डिफेंडर ने यार दोनों को ही खींच लिया अपनी तरफ। यहाँ पे सस्ती वाली डिफेंडर और डब्ल्यूएल टॉयज जीप ने इसको रोक रखा था, पर ट्रैक्सस डिफेंडर के अंदर मैंने जैसे ही गियर चेंज किया है भाई इसने तो दोनों को ही खींच लिया है अपनी तरफ। क्लियरली आप देख सकते हो गाइस ट्रैक्सस डिफेंडर कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब कराते हैं ऑफ रोड रैली, देखते हैं इन तीनों कार्स में से कौन सबसे अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग कर पाएगा। इनके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है और भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है। ये देखो यार ये जंगल बहुत ज्यादा घना हो चुका है। सबसे पहले ट्रैक्सस डिफेंडर को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बारिश गिरने के कारण इसके व्हील्स पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं और ये पत्थर भी बहुत ज्यादा गीला हो चुका है। यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। अब इसके अंदर मैंने जैसे ही फुल स्पीड बढ़ाई है ट्रैक्सस डिफेंडर आराम से जंप करके ऊपर की तरफ चढ़ चुकी थी, पर इसका बैलेंस खराब होने के कारण ये नीचे भी गिर गई है। यार आप देखते हैं ये 5000 वाली डिफेंडर ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। ओ तेरी भाई ये तो शुरुआत में ही नीचे गिर चुकी है। अब मून बग्गी को चढ़ा के देखते हैं। यार मून बग्गी एक क्रॉलर है और ये बहुत आराम से ऊपर की तरफ चढ़ चुकी है। ट्रैक्सस डिफेंडर इसके सामने कितनी भी झाड़ियां आने दो, ये हर जगह पर बहुत आराम से अपने आप को बैलेंस करके चल रही है। इसके पीछे पीछे आ रही है मून बग्गी आरसी कार। तो यार क्लियरली ट्रैक्सस डिफेंडर के बाद मून बग्गी आरसी कार ऑफ रोड में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है राहुल, विराज, देव कुमार, हर्ष कुमार, विवेक, इम्तियाज, मिनहास, कार्तिक, यासिर, प्रत्यूष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।